The next video is about your beliefs around your symptoms and your disease. Now, this is really, really important. Aapki perception, aapke disease ke baare mein. Aapki soch, aapke disease ke baare mein. Aapka attitude, aapke disease ke baare mein. Wo aapka hai. Aapki jo soch hai na, uske mutabik hi aap decisions lenge. Ya to aap doctor ke paas jayenge, ya aap jhaad phoot karne wale ke paas jayenge, ya aap pandit ke paas jayenge. So let's understand this more. Ho sakta hai ki aap apne disease ka naam sunke ki oho mujhe cancer ho gaya hai. Aapne ye sochna hai ki main to mar jaunga. Abhi pause a bit. Kya ye possible hai ki aapne ye kisi movie mein dekha tha ki usko cancer ho gaya aur wo mar gaya. Bas usko aap pakad ke baith gaye hain ki aap bhi marne wale hain. And now you are operating from that premise. Can you imagine you are operating from the premise that anyway you are going to die. और डॉक्टर कितना भी ट्राई कर ले उसके बाद अगर आपके दिमाग में आ गया ना कि आप मरने वाले हो तो कोई भी खुदा और डॉक्टर आपको उसमें से चेंज नहीं कर सकता. अपनी ये जिद छोड़ देना मरने के लिए. मे बी इफ यू लुक एट कैंसर डिफरेंटली एंड हियर इट एज आई कैंसर आई कैंसर आई कैन एक्चुअली लिव सर रादर देन लुकिंग एट इट एंड सेइंग आई एम कैंसर. तो आपकी परसेप्शन बहुत मैटर करेगी. फिर हम देखते हैं कि काफी लोग इसमें पड़ जाते हैं कि यार ये तो ईवल आई है. ईवल आई के बारे में आप पता है ना, काफी लोग वो ईवल आई के बारे में यहाँ वो पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं, ऐसे करो, बहुत कुछ स्टोन्स वगैरह पहनते हैं. मैं नहीं कह रही ईवल आई होती नहीं, पर आपका डिजीज ईवल आई की वजह से हुआ है और इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ये गलत हो जाएगा. आपको शायद ये भी लगता होगा किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया, ब्लैक मैजिक, पेट टॉपिक, या आपके अंदर भूत आ गया है. यू नो ओल्डन टाइम्स में भी जब कोई बीमार हो जाता था ना तो वो कहते थे भूत आ गया इसके अंदर. तो आपको अगर ये लगता है कि आपके अंदर भूत आ गया है तो आपका जो क्या उसको बोलते हैं सॉल्यूशन उसका होगा वो अलग होगा. आप झाड़ फूंक वाले के पास जाएंगे. अगर आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है तो आप किसी और के पास जाएंगे. अगर आपको ये लगता है कि यार ये तो ऐसे लगता है कोई कर्स है मेरी फैमिली के ऊपर, सबके सब ऐसे ही जाते हैं, तो वो कर्स को भी पूरा करने के लिए आप किसी और के पास जाएंगे. तो आपकी मोड ऑफ थेरेपी चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सॉ द डिजीज. थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको उस सोच में से कौन सी एम्पावरिंग सोच है, ये देखनी पड़ेगी. और आसान है खुद के ऊपर लेके कंट्रोल लाके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस सिचुएशन के बारे में कुछ करना, बल्कि कि इसी में रह जाना कि किसी ने कुछ कर दिया होगा. ब्लेम गेम आपकी चालू रहेगी और उस ब्लेम में आप कुछ करोगे तो नहीं. आप उसके बाद पता करोगे कि ब्लैक मैजिक किसने किया, और फिर अगर आपको किसी ने नाम बता दिया तो आप उसका जाके कत्ल कराओगे. आप तो नहीं मरे, अपनी डिजीज की वजह से दूसरा इंसान जरूर मर गया क्योंकि आपकी सोच थी कि वो आपको मारने आ रहा है ना. अमेजिंग. उसके अलावा आपकी सोच क्या है मेडिसिंस के बारे में, कीमोथेरेपी के बारे में. लेट्स से अगर आपको कैंसर हुआ और आप वहां से आ रहे हैं कि यार कीमोथेरेपी तो मुझे मारने वाली है. अब क्या है ना कि अगर नहीं भी मारने वाली थी तब भी मारने वाली है. एक कहानी सुनाती हूँ यहाँ पे आपको. एक इंसान था, उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, और बहुत बड़ी बीमारी थी तो डॉक्टर्स ने उसको कहा कि भैया तेरा कोई इलाज है नहीं, तू मरने वाला है. बहुत सैड सैड फील कर रहा था. उसने डॉक्टर्स को कहा कुछ तो करो, कुछ तो करो. सुबह बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था न्यू ड्रग फाउंड. खुश महाशय पहुंचे डॉक्टर के पास, न्यू ड्रग फाउंड, डॉक्टर ये दवा ये दवा. डॉक्टर ने कहा बॉस इसमें बहुत रिस्क है, मैं नहीं दे सकता तुझे. पर दिस इज माय ओनली चांस डॉक्टर, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी. उन्होंने नहीं दे सकता तेरे को, जा घर जा, तू वैसे भी मरने वाला है, नहीं दे सकता तुझे ये चांस. डॉक्टर प्लीज मेरे को ये दवा दे दो. तो डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है ले ले. तो उसने वो दवा खाई एंड कैन यू बिलीव इट, वो ठीक हो गया. बिल्कुल ठीक हो गया जी, क्योंकि ठीक होना था, उसमें लिखा था न्यूज़पेपर में ठीक होने वाला.
डॉक्टर्स भी खुश, वो भी खुश, उसे डिस्चार्ज मिल गया, अब वो घर गया, घर गया और जैसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ा तो न्यूज़पेपर में आया ड्रग फाउंड इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। इट इज अ स्कैम, इट्स रॉन्ग मेडिसिन, यू शुड नॉट फॉलो इट। अब क्या हुआ, अब तो इनकी बैंड बज गई। इन्होंने बोला ले, इन्होंने तो लिखा है कि मैं ठीक नहीं होने वाला, मैंने तो गलत दवा ले ली। नाउ ही मैनिफेस्टेड द डिजीज अगेन बिकॉज पेपर में लिखा था कि आपकी ये जो दवा आपने ली है इज नॉट हेल्पिंग। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही एक्चुअली रिक्रिएटेड द होल डिजीज अगेन। डॉक्टर्स ने कहा देख हमने तुझे दवा दी थी, तूने हमें कहा था कि नहीं ये मत ले, तूने फिर भी ली, तू ठीक हो गया था, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। उसके बाद फिर से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बस वही न्यूज़पेपर की गलती है बॉस, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और फिर से न्यूज़पेपर में लिखा था कि एक और ड्रग पता करिए जिससे वो खाने के बाद सारे नुकसान चले जाएंगे। उसने वो ड्रग ली वैसे ही पहले जैसे डॉक्टर के पास गया था, प्लीज 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 डॉक्टर प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर सेड ले ले, वैसे भी तू मरने वाला है। He had that medicine and cured himself completely. मैं वैसे स्टोरी आपको क्यों सुना रही हूँ? ये जो आपकी सोच है ना, ये आपको मार देगी। ये जो आपकी सोच है, यही आपको ठीक करेगी। और ये आपकी जो सोच है, यही आपको मार देगी। ये सोच को ठीक कर लेना। शायद आपकी सोच की आप जीने वाले हैं, आपको जिंदगी दे दे। और शायद ये आपकी सोच की आप मरने वाले हैं, यही आपकी मौत की लेटर लिखी हुई है, डेथ सर्टिफिकेट। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग मोर अबाउट मेटा हेल्थ एंड मोर अबाउट डिजीज। प्लीज टू हैव अ लुक एट द ब्लॉग anumehta.co.in। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।